हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कैंडल, जिसको कि हम एक बटन दबा के जला सकते हैं और एक बटन दबा के बुझा भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोड लिखने के लिए हमको टिकेंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट स्टार। अभी हम एक विंडो बना देते हैं, लेट्स से रूट इक्वल्स टू टी के। अभी हम विंडो को बंद भी कर देंगे, रूट डॉट मेन लूप। अभी चलिए रूट का मतलब विंडो का ज्योमेट्री सेट कर देते हैं। ज्योमेट्री लेट्स से 700 × 1000। अभी इसका कलर भी डिसाइड कर देते हैं, रूट डॉट कन्फिग bg इक्वल्स टू टर्किश 1। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम यहाँ पर एक कैंडल भी इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि कैंडल के बिना हमारा प्रोजेक्ट अधूरा है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, img इक्वल्स टू फोटो इमेज। अभी मैं फाइल का पाथ लिख दूँगा, फाइल इक्वल्स टू स्टोरेज एम्यूलेटेड 0 डाउनलोड। अभी फाइल का नाम मैंने सेव किया है candle.png। अभी हम इस इमेज को एक लेबल में स्टोर कर देंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ l इक्वल्स टू लेबल, रूट में स्टोर करूँगा इसको, रूट कॉमा इमेज इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम img। अभी हम लेबल को प्लेस भी कर देते हैं, एल डॉट प्लेस इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेट्स से 180 और वाई कोऑर्डिनेट लेट्स से 500। तो चलिए गाइस, अभी देख लेते हैं हमारा विंडो कैसा दिख रहा है। तो अभी देख सकते हैं गाइस, मैंने bg कलर सेट नहीं किया, तो चलिए वो भी जल्दी से डिसाइड कर देते हैं। bg इक्वल्स टू वही अपना वाला टर्किश 1। अभी देख लेते हैं गाइस। तो अभी देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर कैंडल को इंसर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरह हमने कैंडल को यहाँ पर इंसर्ट किया, वैसे ही हम बाकी दोनों इमेज, जैसे कि कैंडल का फ्लेम और दूसरा कैंडल बुझने के बाद जो स्मोक होगा, उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और ये दूसरी बार पेस्ट। अभी मैं इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैंने सेव किया है फ्लेम, और तीसरे वाले का भी img 2 दे देते हैं। और इसके लिए मैंने स्मोक डिसाइड किया था। तो दोस्तों, अभी हम इन दोनों इमेज को लेबल में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम बटन को प्रेस करें तब ये सो गए, ना कि पहले से ही। तो गाइस, बटन बनाने से पहले हम एक लेबल बना देते हैं, जिसके अंदर हमारे फ्लेम और स्मोक नाम के इमेज आके स्टोर हो जाएं। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट्स से m लेबल रूट, और इसका bg कलर मैं डिसाइड कर देता हूँ टर्किश 1। अभी मैं इसको प्लेस भी कर देता हूँ, m डॉट प्लेस इसका x कोऑर्डिनेट लेट से 280 और y कोऑर्डिनेट लेट से 250।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है, हमको दो बटन बनाना पड़ेगा जिसको दबाने साथ ही एक बार हमको फ्लेम दिखाई दे और दूसरी बार स्मोक। तो आइए जल्दी से बना लेते हैं। तो लेट्स से मैं बी इक्वल्स टू बटन, मैं इसको रूट में स्टोर करूँगा, रूट कॉमा, इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे दूँगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू लाइट, और इसका थोड़ा बॉर्डर भी सेट कर देते हैं, बॉर्डर का थिकनेस लेट्स से 3। अभी बटन को प्लेस कर देते हैं लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट इसका 30 और वाई कोऑर्डिनेट लेट्स से 1200। तो वैसे ही हम दूसरा वाला बटन भी बना देते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं लेट्स से अनलाइट, और यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 480 और वाई कोऑर्डिनेट वैसे ही रहने देते हैं। तो अभी देख लेते हैं गाइस कैसा दिख रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं गाइस हमारा कैंडल तो पहले से था, यहाँ पे अभी दो बटन भी आ गए हैं लाइट और अनलाइट नाम से। तो दोस्तों बटन से काम करवाने के लिए हमको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे कमांड दे देते हैं, कमांड इक्वल्स टू लाइट। वैसे हम हमारे दूसरे बटन में भी कमांड दे देते हैं, कमांड इक्वल्स टू अनलाइट, अनलाइट। तो चलिए गाइस जल्दी से इस नाम के हम फंक्शन भी बना देते हैं, डिफाइन लाइट, और यहाँ पे मैं कमांड दे दूँगा एम डॉट कन्फिग इमेज इक्वल्स टू IMG1, और इसको मैं प्लेस कर दूँगा एम डॉट प्लेस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेट से 280 और वाई कोऑर्डिनेट लेट से 250। वैसे हम दूसरा फंक्शन भी बना देते हैं, डेफ अनलाइट, और यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ एम डॉट कन्फिग इमेज इक्वल्स टू IMG2, और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ एम डॉट प्लेस लेट से इसका एक्स कोऑर्डिनेट 210 और वाई कोऑर्डिनेट लेट से 15। तो दोस्तों हमारा कोड रेडी हो चुका है, तो चलिए जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमने एक कैंडल बना दिया, दो बटन्स बना दिए, अभी देखते हैं लाइट पे क्लिक करने से क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस लाइट पे दबाते साथ ही यहाँ पे फ्लेम आ गया। तो अभी देख लेते हैं अनलाइट दबाने पे क्या होता है। तो अभी देख सकते हैं गाइस अनलाइट दबाने पे ये बुझ गया है। तो और एक बार दबा के देखते हैं लाइट को, ये फिर से जलने लगा और अनलाइट पे फिर से बंद हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।